आप लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं इस समय खन्ना मार्केट के सामने खड़ा हूँ और खन्ना मार्केट के साइन बोर्ड के पीछे ये बेहद खूबसूरत बरगद का पेड़, इसकी मैजेस्टी का बयान करना मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसको ठीक से दिखाऊँ। वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल काम है, मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, लेकिन जो जायज़ा वीडियो के द्वारा किसी को मिल सकता है, ऐसा कोई जो मेरी ही तरह दिल्ली का शौकीन हो, दिल्ली का चाहने वाला हो, वो शायद फ़ोटोग्राफ से नहीं मिल सकता। संडे की सुबह है, अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है कि हम बाहर ना निकल पाएँ, अभी भी काफ़ी खुशनुमा माहौल है। मार्केट के मैं उस तरफ हूँ जो उसका एक पिछला हिस्सा कह सकते हैं। मेरे सामने जो रोड आपको दिख रही है, जहाँ से अभी भी ऑटो गया है और जहाँ से ये स्कूटर आ रहा है, ये जोरबाग की तरफ का इलाका है, यानी कि इसके बियॉन्ड जो रोड है वो जोरबाग रोड है और उसके बियॉन्ड लोधी गार्डन है। खन्ना मार्केट के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि खन्ना मार्केट और मेहरचंद मार्केट, ये ट्विन मार्केट्स हैं लोधी कॉलोनी में। लोधी कॉलोनी खुद जो है वो सिकंदर लोधी के नाम पर है और सिकंदर लोधी का जो आगाज़ हुआ था, उनकी जो रेन का, उनकी जो राज का, वो करीब 1489 के आसपास हुआ था। तो ये खन्ना मार्केट बनी थी 1954 में और खन्ना मार्केट भी और मेहरचंद मार्केट भी, दोनों जो हैं इनका जो नाम है वो मेहरचंद खन्ना के नाम पर है, जो उस समय सेंट्रल मिनिस्टर थे रिहैबिलिटेशन के, तो ज़ाहिर है कि उनके नाम पर ये मार्केट का नाम रखा गया हो। खन्ना मार्केट बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट है, ये टिपिकल दिल्ली की मार्केट नहीं है, जहाँ पे ज़्यादातर आपको जो दुकानें हैं वो घरों से निकाली हुई होती हैं। ये एक प्रॉपर मार्केट है जहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी ने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सामने केमिस्ट है, जहाँ पे दुकानें जो हैं बनाई हुई हैं एक के बाद एक के बाद एक, और चूँकि ये NDMC एरिया है, थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ पर ज़्यादा है। बड़ी खूबसूरत मार्केट है, आपको सामने का नज़ारा दिख रहा होगा। सीधा मैं चल रहा हूँ आपके साथ साथ आपको दिखाने के लिए। सीधी ये रोड जा रही है, ये रोड जहाँ पे एंड होती है वहाँ पर वो फेमस रेस्टोरेंट है जिसकी मैंने कई बार बात की है, चिदंबरम न्यू मद्रास होटल। इसके अलावा इस मार्केट में हर तरह की दुकानें हैं, केमिस्ट आप देख पा रहे हैं, साथ में बहुत ही ज़रूरी हमारी पब्लिक कन्वीनियंसेस, साथ में मैं विजन केयर देख पा रहा हूँ, और उसके अलावा चलिए थोड़ा सा आगे और वॉक करते हैं आप लोगों के साथ। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए भी ये बहुत ही नया अनुभव है और मैं भी कॉन्शियस हो जाता हूँ कि ये मैं कुछ देख रहा हूँ जो आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे पार्किंग यहाँ फ्री है, मैं आपको बता दूँ, कभी आप आना चाहें यहाँ पर। ये है फास्ट चार्जर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, स्मार्टर ग्रीनर टुगेदर। ये मैंने पहली बार देखा है, ये फ्री पार्किंग, कारें आप देख पा रहे हैं सामने हमारे, जगदीश स्टूडियो, अरे वाह, प्रीमियम वेडिंग फोटोग्राफी और कमर्शियल फ्रेमिंग, बड़ी ओल्ड फैशन दुकानें हैं। क्वालिटी जनरल स्टोर दिख रहा है, पुराने ज़माने का आप देख पा रहे हैं। इस मार्केट में एक अलग ही फील है। जब आप कमला नगर या करोलबाग जाते हैं तो एक बड़ा आपको एक क्योटिक सा, यू नो, ऑलमोस्ट एक ओवर एग्जूबरेंट सा आपको वहाँ पे माहौल दिखता है, एक के ऊपर एक लोग जैसे कि चढ़े हों बिल्कुल। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, संडे का दिन है, वैसे भी थोड़ी सी खुमारी छाई है, मौसम का भी असर है, तो बड़ा डिफरेंट सा माहौल है। हम लोग आगे चलते रहते हैं इसी रोड पर, मैं देखता हूँ कि हम कितना आगे पहुँच पाते हैं इससे पहले कि हमारे इस वीडियो की अवधि जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये वीडियो मैं 10 मिनट तक का ही बना सकता हूँ, उसके बियॉन्ड अगर वीडियो बनाते हैं तो वो अपलोड करने में दिक्कत आती है, और अभी एडिटिंग वगैरह की फैसिलिटी ना मेरे पास है और ना मेरे पास वक्त है किसी को साथ में इसमें करने का। तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, लोग इस मार्केट में आ रहे हैं, मेरी भी गाड़ी यहीं कहीं पार्क्ड है। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि बाईं ओर जो आपको दिख रहा है, ये एक टिपिकल NDMC के कियोस्क है,
इसमें शायद चाय वाला भी है और ये अंडे ब्रेड वाला, और इसमें वाईफाई भी दिख रहा है मुझे, बहुत कमाल की चीज़ है भाई। और सिगरेट वगैरह के लिए हमारे नौजवान जो स्मोकिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, अभी हमारे पास वक्त है थोड़ा सा, आगे और बढ़ते हैं। रूपा ट्रेलर्स, टेलर्स एंड ड्रेपर्स, ये बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसी शॉप देखी है। मैं पास नहीं जाना चाहता और मैं लोगों को एंगेज नहीं करना चाहता, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये दिख रहा है। जेंट्स एंड लेडीज़ टेलर्स हैं ये। थोड़ा सा और मैं इसको आपको अगर तफसील से दिखाऊँ तो शायद ज़्यादा मुनासिब हो। रूपा टेलर्स एंड ड्रेपर्स, बहुत खुशी हुई ऐसी शॉप देखकर। साथ में अजंता हेयर ड्रेसर्स भी है, कमाल है भाई। और आगे चलते हैं। NDMC की मार्केट है इसलिए पब्लिक कन्वीनियंसेस, पब्लिक सुविधाएं हर तरफ हैं। और आगे चलते हैं। क्योंकि ये लोधी कॉलोनी का हिस्सा है और लोधी कॉलोनी आर्ट डिस्ट्रिक्ट मशहूर है, इसलिए पीछे एक वॉल पेंटिंग मैं देख पा रहा हूँ, आपको भी दिख रही होगी उम्मीद है। और एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल टिपिकल सरकारी फ्लैट्स, लोधी कॉलोनी तो बनी ही सरकारी लोगों के लिए है, तो साथ में ये टिपिकल जो सरकारी फ्लैट्स हैं बड़े पुराने ज़माने के, अगर हम पास से देखें इनको तो इनकी जो खिड़कियाँ हैं वुडन फ्रेम वाली और जो दरवाज़े हैं बड़े ही टिपिकल तरह से हैं। और एक गेटेड कम्युनिटी की फील आ रही है वैसे तो, लेकिन ये गेटेड कम्युनिटी गुड़गांव वाली गेटेड कम्युनिटी नहीं है, ये बहुत डिफरेंट किस्म की कम्युनिटी है। और बिल्कुल एक DDA फ्लैट्स वाला एक फील आ रहा है यहाँ पर। आप अगर ऊपर देखें, ऊपर की खिड़कियाँ देखें ऊपर की तरफ, और कलर भी काफ़ी कमाल का है, पिंक कलर का इस्तेमाल है, पिंक भी नहीं है ये, हल्का सा मैजेंटा है मेरे हिसाब से। खैर कलर्स के बारे में अगर मैं येलो को पिंक कह दूं तो आप बुरा मत मानिएगा, कलर ब्लाइंड थोड़ा सा मैं हूँ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस मार्केट में, मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। क्या हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग और देखने की चीज़ें हैं यहाँ पर? और आगे चलता हूँ मैं आपके साथ साथ, थोड़ा सा माहौल का जायज़ा लेते हैं। थोड़ा सा संडे आफ्टरनून है, करीब 1 बजा है, जैसे कि मैंने कहा कि लोग अभी शायद घरों में सोच रहे होंगे कि आज क्या करना है। और एक बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है इस समय। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये मूंग की दाल के राम लड्डू की दुकान आई है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कृष्ण स्वीट्स। अगेन एक बड़ी पुराने ज़माने की हलवाई वाली फील आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अग्रवाल स्वीट्स का छोटा भाई हो। बात नहीं मैं करना चाहता किसी से, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद बड़ा कॉन्शियस फील कर रहा हूँ इस समय। दिल्ली के मशहूर ऑटो आपको दिख रहे हैं जो कि आप जहाँ भी जाना चाहेंगे वहाँ कभी नहीं जाएंगे। अगेन मेरे राइट हैंड साइड पर एक बार मैं छोटा सा यहाँ से टर्न लेता हूँ, मेरे राइट हैंड साइड पर एक और हलवाई है जो कि गरम समोसे, छोले भटूरे, पूड़ी भाजी, कचौड़ी सब्ज़ी, पनीर पकौड़ा, ब्रेड पनीर पकौड़ा, पाव भाजी, मिक्स वेज परांठा, ये मेरे सामने कोई खड़ा है, यहाँ से हट नहीं रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शाम को अच्छा समय बनता होगा। अगर आप मुझसे पूछें, और मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करना चाहूँगा इस बरगद के पेड़ के साथ, बड़ा खूबसूरत बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ यहाँ की खासियत हैं, एक अलग ही फील है इस मार्केट में, बिल्कुल एक छोटे शहर वाली फील आती है, साफ़ सुथरी, बिल्कुल जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को, खन्ना मार्केट के वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।